ये बात तो हम जानते हैं रुखसार, कि काजी साहब के सर पे कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं है बल्कि पूरा 80 लाख का कर्ज है। पर ये बात इतनी भी बड़ी नहीं है अब्बू, वो लोग अपना बगीचा बेचने जा रहे हैं और एक बार अगर वो बगीचा बिक गया तो उनके सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे। काजी साहब और उनकी वो जिद्दी बेटी, उन दोनों ने बहुत तकलीफ पहुंचाई है हमें, बहुत तंग किया है, बेइज्जत किया है हमें। अब थोड़ा परेशान तो काजी साहब को होना ही पड़ेगा। तुम बस देखती जाओ हम क्या करते हैं। क्या करेंगे ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि जारा और उसका खानदान बर्बाद हो जाए। और अब्बू, इस काम में अगर आपको किसी भी तरह से हमारी जरूरत होगी ना तो हमें जरूर बताइएगा, हम संभाल लेंगे। रुखसार, अरे तुम यहाँ हो अब्बू के साथ, कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चाय बनाकर लाए थे तुम्हारे लिए, जल्दी पी लो ठंडी हो जाएगी। बच्चों, आप भी ना, आपने चाय क्यों बनाई, हमें बता दिया होता हम बना देते। कोई बात नहीं अब्बू, चाय ये हमें दीजिए, ऐसी हालत में आप कोई काम नहीं करेंगे। शुक्रिया जीन। तुम सभी एक ही थाली के चट्टे भट्टे हो शहबाज अहमद, हमारे हक में सभी बुरे साबित हुए। हम तुमसे जारा के घर वालों को बर्बाद कराएंगे, फिर तुम्हारे घर की बर्बादी की दास्तां को हम खुद लिखेंगे। कैसा लगा? माशाल्लाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है जारा। अम्मी, पसंद किसकी है? अब इस खूबसूरत से कपड़े का बनेगा खूबसूरत सा जोड़ा। हाँ। लेकिन एक ही रात में जोड़ा बनाना बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं, हम मेहनत करेंगे और काम कर लेंगे, वैसे भी काम शुरू हो चुका है। अरे जारू बताओ ना, इन लेसेस में से कौन सी लेसेस अच्छी लग रही है? ये हमारी बहन अजरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब हम दोनों बहनें मिलकर मेहनत करेंगे और रात भर में जोड़ा तैयार। अल्लाह का है करम, पियो बेटा चाय गरम। चलो गरम गरम चाय पियो, आ जाओ। अल्लाह जान, हम आपसे बाद में बात करते हैं, बहुत सारा काम बाकी है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अजरा पहले चाय पी लेते हैं फिर काम। हाँ, थोड़ी ताजगी और आ जाएगी। आ जाइए। बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ रेडी है। नहीं, हम आ जाएंगे। हाँ, सीधे वहीं आ रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जनाब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप तो बागीचे का 50,000 रुपए बयाना भी दे चुके हैं और अब आप कह रहे हैं कि आपको बागीचा पसंद नहीं है। आप तो बातों से मुकर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे बागीचे की कीमत ज्यादा दे रहे हैं तो हम कीमत कम करने के लिए तैयार हैं। आप बात तो कीजिए। क्या हुआ काजी साहब? अजीब शख्स है। पहले बागीचा पसंद करता है, 50,000 रुपया बयाना देता है और उसके बाद बातों से मुकर जाता है, कहता है हमें आपका बागीचा ही पसंद नहीं है। अगर हमारा बागीचा नहीं बिका तो हम अमीना का इतना बड़ा कर्जा हम कैसे चुकाएंगे? काजी साहब, कुछ नहीं होगा, आप अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए।
आमरीन का निकाह होते हमें कैसे भी कोई नौकरी ढूंढनी होगी। ये अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम अब्बा के साथ हर हाल में खड़े रहें। इतनी सुबह सुबह कबीर का फोन? तुम्हें सुबह उठ के सबसे पहले जारा को कॉल करना है। या अल्लाह, ये सबीना खाला का बनवाया हुआ दोस्ती का रूटीन, हम क्या बात करें कबीर से? ऊपर से घर की इतनी बड़ी परेशानी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा, हम वो खाला जान ने भी कहा था कि हर रोज हर सुबह तुमसे बात करने को रूटीन। हाँ, हम तुम्हारा फोन देखकर समझ गए थे। तो अम्मी की बात हुई? हाँ, खाला जान से अमरीन की शादी को लेकर। अच्छा, अम्मी ने यकीन दिला दिया है खाला जान को कि इंशाल्लाह सारा इंतजाम हम देख लेंगे। अच्छी बात है। अच्छी बात है, हमें भी लगा। सुबह खैर ज़ारा। तुम्हारा दिन भी अच्छा गुजरे कबीर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या जाना नहीं है? कहाँ? अमरीन के घर। हाँ। अच्छा सुनो, फूफी जान बोल रही थी कि शाम को किसी पहचान वाले के वलीमे में भी जाना है, इसलिए जल्दी आओ, जल्दी जाओ। जल्दी जाओ और जल्दी आओ। जल्दी चलो, जल्दी। अगर हमारा बागीचा नहीं बिका तो हम हमीना का कर्जा कैसे चुकाएंगे? अरे चलो ना। हाँ, हमें ये समझ में नहीं आ रहा सबीना खाला, मतलब ये कौन सा रूटीन है? किसी को फोन करने से आपकी थेरेपी अमल में आएगी, हमने आज तक ये कभी नहीं सुना। हम गुस्सा क्यों हैं? हाँ कभी, मतलब तुमने तो अपना काम कर दिया, अब सिर्फ रात में जारा को फोन करना है, वो उसका सर। तुम मुस्कुरा, शांत रहो, लंबी लंबी सांसें लो और बस मुस्कुराते रहो। ऐसे अकेले बड़बड़ाने की क्या जरूरत है, हमें ना हमसे बात करो। बिना नॉक किए हुए तुम अंदर आ गए। खुला तो है दरवाजा। सुबह सुबह कौन आता है किसी के घर इमरान मियां? अरे हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है। कबीर, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। नहीं, अरे पहले देख तो लो। किस किस्म की मदद? एक बहुत ही आलीशान फैशन कॉम्पिटिशन होने वाला है लखनऊ में, और इस कंपनी की जो इवेंट मैनेजर है ना, वो ऐन मौके पे नौकरी छोड़ के चली गई है। तो अब इस कंपनी को एक इवेंट मैनेजर की तलाश है। तो हम क्या करें इसमें? इस कंपनी का एक शख्स हमारा दोस्त है। तो हमें ये इवेंट मैनेजर की जॉब मिल जाएगी आसानी से। बस दिक्कत ये है कि हम ये काम अकेले नहीं कर सकते, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कबीर मियां, तुम शहर काजी होके पूरा शहर मैनेज कर सकते हो? एक छोटा मोटा काम है, चलो ना कर लो। छोटे मोटे की बात है नहीं, ये अच्छे और बुरे की बात है, और ये फैशन कंपटीशन बुरा है। अच्छे से जानते हो हम क्या, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। खैर लड़कियां होंगी वहां, इमरान पता नहीं किस किस्म के कपड़े पहने होंगे, किस किस्म का माहौल होगा वहां। कैसी बातें कर रही हो तुम, जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तुमने ऐसे खड़े खड़े अपनी राय बना बैठे, अरे एक बार चल के देखो तो सही, हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे। हम उन चीजों से कितना दूर रहते हैं और तुम हमारे पास ये कागज उठाकर लेकर आए और कह रहे हो एक बार देख तो लो, पागल हो गए क्या तुम? उन इवेंट्स में पहले खाना खिलाया जाता, तुम जानते हो किस तरीके से वो खाना बनाया गया? नहीं ना, शराब होगी वहां, पता नहीं क्या क्या चीज होगी।
एक आलम दीन होने के नाते हम तुम्हें सलाह दे रहे कि उन चीजों से दूर रहो, दिल से ख्याल हटा दो उनका। हाँ तो तुमको हम याद दिला दे कि हम भी एक आलिम है, अगर उस फैशन कॉम्पिटिशन में ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले हम मना कर देते। कबीर, बेटा हमें सबीना के यहाँ छोड़ दो। अमी सिर्फ एक मिनट, हम बस इससे बात करें। कबीर जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। अभी इसी वक्त जाना आपको? हाँ हाँ अभी चलो भाई। जरूर, बिल्कुल गलत है ये, इसके बारे में हम बात करने वाले, खत्म नहीं हुई ये बात। अरे कितना हुआ? 200। ये रिश चेंज दीजिए ना। चेंज आजा, चेंज है तुम्हारे पास? कितना? 200। नहीं है। जरूर अमरीन के घर से ले लेते हैं ना। हमें देखने दो। आओ। नहीं 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 अम्मी, हमें लगता है कि अंदर कुछ ज्यादा ही औरतें होंगी, तो वो हमारा काम नहीं है। आप जाइए, हम बाद में आपको लेने आ जाएंगे। माशाल्लाह मिल गए। एक काम करो, तुम ये ड्रेस लेकर अंदर जाओ, हम ये चेंज लेकर आते हैं। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी हम बस अभी हैं, ये टैक्सी ड्राइवर को चेंज लेना है। ये है अजरा। अस्सलामुअलैकुम। और ये है हमारी आयशा बाजी। आई एम श्योर आप इनसे मिली होंगी। जी बिल्कुल, जानते हैं आपको, काफी फंक्शंस में देखा है आपको, बहुत सुना है आपके बारे में। और ये हमारी आमरीन की होने वाली सास हैं, माहिरा साहिबा। आंटी वैसे वो जोड़ा का है, वो तो हमने देखा ही नहीं। हाँ वो ये रहा। ये देखिए, ये देखिए टंटना। ये है इसकी जैकेट। वाह। और ये तो बहुत ही खूबसूरत है, हमारी शादी का है। अरे नहीं नहीं, ये तो आज के फंक्शन के लिए है, आपके निकाह के लिए तो आपके ससुराल वालों से आएगा। और आपके वलीमे का जोड़ा तो जारा खुद डिजाइन करेगी। वैसे जारा है कहाँ? लो जारा आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया के आगे क्या कहें, हमें लफ्ज ही नहीं मिल रहा। नहीं आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, आमरीन हमारी बहन है, हमने जो भी कुछ किया वो हमारा फर्ज बनता है। बैठो। और ये है हमारी कजिन आरशी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह माशाल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। जरूर किसी नामवार डिजाइनर ने डिजाइन किया होगा। जी हाँ, हमारी बहन से भी बढ़कर बहन जारा सिद्दीकी ने डिजाइन किया है। बहुत ही बेहतरीन डिजाइनर है, देखिए क्या कमाल किया है, बस अब फेमस डिजाइनर बनना बाकी है। ये तो अमरीन की मोहब्बत है, अगर हमें एक रात से ज्यादा का वक्त मिलता तो और अच्छा बन सकता था, हमें अभी भी इसमें कुछ कमी लग रही है। ये सच में आपने एक रात में डिजाइन किया हुआ है? जी। ओह माय गॉड, इट्स अ मास्टरपीस यार, क्या मैं इसका एक फोटो ले सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल लाइए। हम पकड़ते हैं अभी, तुम इसको पहन ही लो ना। लो। वैसे जारा तुमने यार क्या कमाल का काम किया है, अब देखो मैं इस तुम्हारे डिजाइन को पूरी दुनिया में घुमाऊंगी। वैसे जारा तुम्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनर होना चाहिए था, आप लखनऊ में क्या कर रही हैं? हॉलीवुड जाइए और नाम कमाइए। वैसे जारा आपने जो ड्रेस पहना है ये आपने खरीदा हुआ है या फिर खुद डिजाइन किया हुआ है? ये वाली ड्रेस तो खैर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन सच कहें तो हम अपने खुद के डिजाइन करे हुए कपड़े पहनते हैं। यार दिस इज सुपर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। श्योर।
अस्सलाम वालेकुम अप्पी। वालेकुम सलाम। जोड़ा किसने डिजाइन किया है? ये रही आपकी डिजाइनर, द ग्रेट ज़ारा सिद्दीकी। आप तो कमाल की डिजाइनर है ज़ारा, आपके पास तो और भी ऐसे डिजाइन होंगे ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल है, इनके पास ना एक बहुत बड़ी स्केच बुक है, उसमें इन्होंने बहुत सारे डिजाइन बनाए, हम आपको दिखाते हैं एक मिनट। ऐसा ये देखिए वाओ इट्स अमेजिंग। हम चाहते हैं कि आपके ये डिजाइन फॉरेन मार्केट के साथ भी जोड़े जाएं। आप कमाल का बिजनेस कर सकती हैं ज़ारा, ट्रस्ट मी। जी हमने कभी बिजनेस के बारे में सोचा ही नहीं, हमारा मतलब है कि हम तो बस शौकिया तौर पर एक दो चीजें बना लेते हैं। लखनऊ में एक आलीशान फैशन कंपटीशन होने वाला है, आप चाहें तो हम उस शो के ऑर्गेनाइजर से बात कर सकते हैं। अगर आपने शो में पार्टिसिपेट कर लिया ना तो यकीन मानिए आपके इस आर्ट को बहुत शोहरत हासिल होगी। वाह ये तो बहुत ही अच्छा मौका है ज़ारा, तुमको पता है अगर तुम ये फैशन शो जीत गई तो एक बड़ी प्राइज मनी के साथ साथ तुमको एक अपना स्टूडियो खोलने का मौका भी मिलेगा। ज्यादा सोचिए मत ज़ारा, आप में काबिलियत है, बस आपको एक सही इंसान की जरूरत है, फिर देखना शोहरत कैसे आपके कदम चूमती है। और ज़ारा तुमको पता है ये फैशन कंपटीशन तुमको बहुत ही नाम और शोहरत दे सकता है, और अगर ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम अच्छा हो गया ना तो तुम्हारी जिंदगी भी बन जाएगी, और इंशाल्लाह आपके पास इतना पैसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। अगर हमारा बागीचा नहीं बिका तो हम हामीना का इतना बड़ा कर्जा हम कैसे चुकाएंगे? ठीक है, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, हम पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। यो शाबाश, ऑल द बेस्ट ज़ारा। शुक्रिया। मम्मी आपका बैग असल में गाड़ी में ही रह गया, क्या करना है? या अल्लाह हमारी ये भूलने की आदत ना हमें किसी दिन ले डूबेगी। बेटा बेटा उस पर्स में हमारी दवाइयां भी हैं। एक काम करो तुम सबीना के यहाँ वो पर्स छोड़ दो, कुछ देर के लिए हम यहीं हैं सबीना के घर। जी मम्मी बेहतर है, हाफिज। अल्लाह हाफिज। ज़ारा अभी अभी निकली है, देखिए। एनीवे इनसे मिलिए, ये है अर्शी, और अर्शी ये वही मिस्टर है जिनके बारे में हमने आपको बताया था। वालेकुम अस्सलाम, ये लीजिए अम्मी का बैग। अभी नहीं आप अंदर चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। असल में हमें कुछ देरी हो रही है, कुछ काम के लिए जाना। चलिए सब इंतजार कर रहे हैं। दारू तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुमने जो फैसला लिया है ना बिल्कुल ठीक है। देखना तुम एक बार बस ये फैशन शो जीत जाओ तो बस बॉस का इज द लिमिट। बस एक बार ज़ारा इस फैशन शो में पार्टिसिपेट कर ले, आई एम श्योर कि वो इसका ताज जरूर जीतेंगी। देखना ये फैशन शो ना उनकी जिंदगी बदल देगा इंशाल्लाह। देखना है मेरे पास उसकी डिटेल्स है, देखिए कितना ग्रैंड होने वाला है ये फैशन शो। नाइस। कभी देखो ये फैशन शो की डिटेल्स है जिसमें ज़ारा पार्टिसिपेट करने वाली है।
एक बहुत ही आलीशान फैशन कॉम्पिटिशन होने वाला है लखनऊ में। हमें ज़ारा को इस फैशन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने से रोकना होगा।